नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फूड को प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, फूड का जो प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, फूड को मतलब फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, तो उससे जो है हमको फूड को कैसे बचाना है। आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, फिक्सेशन मतलब फिक्स करना, ठीक है। फिक्सेशन मतलब फिक्स करना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, आप लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़े हैं, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है, जिसमें 0.034 जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो 78% जो नाइट्रोजन है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये एटमॉस्फेयर के साथ साथ सॉयल में भी है, ठीक है। सब मतलब ये पूरे एटमॉस्फेयर में, सॉयल में, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में सब मिला जुला ऐसे मतलब घूमते रहता है। कहने का मतलब कि आपको जैसे ये साइकिल, इसका साइकिल कैसा है, साइकिल जैसे मतलब कि एटमॉस्फेयर से सॉयल में आया, सॉयल से फिर प्लांट्स में आया, प्लांट्स से फिर एनिमल्स में आया, एनिमल्स से फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स जैसे डाई होते हैं तो फिर से वापस जो है मतलब कहाँ चला जाता है, सॉयल में चला जाता है, और सॉयल से जो है फिर से वापस नाइट्रोजन जो है मतलब एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो ऐसे ये साइकिल की तरह ऐसे घूमते रहता है। तो वही चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब नाइट्रोजन साइकिल में जो है 5 मेन इसमें स्टेप्स हैं, 5 मेन उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये इसका मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉयल में फिक्स हो जाए। कैसे फिक्स होगा, तो उसका 2 मेथड है, एक है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और एक है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है, एटमोसफेयर में कभी जैसे लाइटनिंग हुआ है ना, बिजली कड़कता है, अभी बारिश का सीजन चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, तो कभी कभी जैसे बिजली कड़कता है तो वहाँ क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो मतलब बहुत तेज जब बिजली कड़कता है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस समय जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो वो एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है मतलब वाटर वगैरह के साथ में रिएक्शन करके जो है एसिड बन जाएगा। वही एसिड जब मतलब कि फॉल करेगा रेन वाटर के साथ जो है, तो फिर कभी कभी एसिडिक रेन भी होता है, तो लेकिन वो उसमें मतलब एसिड थोड़ा कम मात्रा में रहता है, तो इसलिए जो है उसमें क्या होता है कि वो जो रहता है नाइट्रेट हो गया, मतलब ये सब नाइट्रेट वगैरह जो है मतलब कि ऊपर से फिर बारिश के साथ साथ फिर वो आ जाता है कहाँ, सॉयल में, अब वो सॉयल में मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन के कारण जो है फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रोजन का। दूसरा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे गठान गठान टाइप का, जैसे आपका ये ग्राम हो गया, पी हो गया, ग्राम मतलब चना, ठीक है, पी मटर ये सब सारे, ये सब के जो पौधे होते हैं ना जिन्हें लेग्यूम्स बोला जाता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी होते हैं उनमें मतलब जो कि प्रोटीन जिनमें ज़्यादा पाया जाता है ना, तो उसको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ये सब जितने भी ये पल्सेस वगैरह के जो है ना, जितने भी दाल वाल का जितना भी पौधा है, तो उस समय मतलब वो क्योंकि दाल में तो प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसे प्रोटीन पाया जाता है जानते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो नोड्यूल्स, उन नोड्यूल्स में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब कैप्चर करना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कैप्चर कर लेता है ज़्यादा ज़्यादा, फिर वो मतलब ये जब हेल्प करता है ना, इसीलिए तो जब ये जितने पल्सेस वगैरह हैं तो इनका इनमें प्रोटीन क्यों ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनके रूट्स में ही मतलब लेग्यूम्स पाया जाता है, जो कि जो लेग्यूम उनको हेल्प करता है ज़्यादा ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में। अब नाइट्रोजन जितना ज़्यादा होगा तो प्रोटीन उतना ज़्यादा बनेगा,
है ना, क्योंकि जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजन का वो कंपाउंड है ना। प्रोटीन के बारे में आप लोग बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन से ही बनता है, नाइट्रोजन और कार्बन ये सब का मिला करके बनता है। तो अब इसमें जो आपका नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो मतलब कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये था बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हेल्प करता है आपको राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है बायोलॉजिकल फिक्सेशन करना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया आप बता ही दिए आपको, लेगुमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दूसरा जो स्टेप है, तो दूसरा स्टेप क्या, उसमें क्या होता है, जब नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो गया तो मतलब एक तो फिक्स हो गया, ठीक है, अब उसका जो है कन्वर्जन होगा नाइट्रेट में। नाइट्रेट में कन्वर्जन कैसे होगा, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को ये मतलब कि नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया हैं, ये अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबको जो है मतलब कि नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब फिर उसका एमोनिएशन होता है, जैसे नाइट्रोजन है उसका एमोनिएशन कैसे होगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा वो जो नाइट्रोजन है, जैसे प्रोटीन वगैरह जो भी मतलब कि, अच्छा एमोनिएशन ऐसे भी होता है जैसे मतलब कि प्लांट्स वगैरह, ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब अगर मर गए तो जैसे मतलब कि डिकम्पोज हो गए, वो सब डेड एंड डिकम्पोज जब हो जाते हैं, जब डेड और डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर वही अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो नाइट्रोजन था वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। अच्छा नाइट्रिफिकेशन जो है कभी कभी मतलब पहले भी हो जाता है, एमोनिएशन के पहले भी हो जाता है ना, एमोनिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एमोनिएशन एमोनिफिकेशन, तो एमोनिएशन से पहले भी हो जाता है और जो है ज़्यादातर एमोनिएशन के बाद होता है। लेकिन एमोनिएशन के पहले ही जैसे मतलब वो जो लाइटनिंग वाला बता रहे थे आपको, तो लाइटनिंग वाले में पहले मतलब कि हो गया, उसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ कन्वर्ट वनवर्ट होने का जरूरत नहीं पड़ा है ना, एमोनिएशन वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो एमोनिएशन में जो है वो क्या होता है कि अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए को मतलब अमोनिया में कन्वर्ट करने का जो वो है बैक्टीरिया है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस का नाम है एमोनिफिकेशन। और फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन आपको पहले बता दिए कि नाइट्रिफिकेशन जो है वो अमोनिया या फिर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, इसको बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, ये आपके नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो ये हो गया तीसरा प्रोसेस, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा एमोनिएशन और तीसरा जो है नाइट्रिफिकेशन। चौथा जो प्रोसेस है, तो चौथा प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन का मतलब है स्टोर करना। जो भी प्लांट्स वगैरह जैसे मतलब कि रूट से क्या करते हैं, उसको सॉयल से जो है नाइट्रोजन वगैरह को ले लेते हैं और वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं प्रोटीन के फॉर्म में। तो प्रोटीन को जब एनिमल्स खाते हैं तो जो मतलब एनिमल्स और प्लांट्स जब डेड और डिके होते हैं, ये तो मतलब कि सारा सब कुछ ये हो गया क्या बोलते हैं कि आपको इसका नाइट्रिफिकेशन के बाद आपका ये क्या बोलते हैं कि अमोनिफिकेशन भी हो गया, नाइट्रिफिकेशन भी हो गया। अब वो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स डेड और डिकम्पोज होंगे तो फिर से मतलब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना, और उसके बाद जो है उसका नाइट्रिफिकेशन होगा। फिर वही एसिमिलेशन में जो है नाइट्रिफिकेशन और एमोनिफिकेशन जो है मतलब सब साथ साथ चल रहा है ना एसिमिलेशन वाले में, क्योंकि एसिमिलेट करने का मतलब स्टोर करना। तो अगर प्लांट्स अगर उसको स्टोर किए तो एनिमल्स के पास जाएगा, एनिमल्स जब स्टोर करेंगे फिर जब डेड और डिकम्पोज होंगे तो फिर जो है क्या होगा, उससे फिर से अमोनिया बनेगा, नाइट्रेट बनेगा फिर मतलब। तो ये एसिमिलेशन वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, तो हमारा नेचर में एसिमिलेशन मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में एसिमिलेशन हो गया एसिमिलेशन। तो अब इसके बाद ये चौथा प्रोसेस था एसिमिलेशन, मतलब स्टोरेज है ना, नाइट्रोजन स्टोर हो रहा है प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में। अब लास्ट पाँचवा जो प्रोसेस है उसका नाम है डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, वो जो भी नाइट्रोजन जब कभी मतलब कि मतलब कि सॉइल में है, तो सॉइल वगैरह में या फिर कुछ ऐसे
डेड प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सक्रेटा वगैरह में, मतलब उनके एक्सक्रेटा में या फिर डेड प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ डिकम्पोज हो रहे हैं वहाँ पर अगर है नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो वहाँ पर अगर स्यूडोमोनस बैक्टीरिया अगर आ जाएगा, स्यूडोमोनस बैक्टीरिया अगर आ गया तो वो जो है सारा का सारा क्या हो जाएगा, मतलब कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो स्यूडोमोनस बैक्टीरिया का काम है मतलब कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेजना। तो अब ये इस प्रोसेस का नाम है डेंट्रिफिकेशन। तो ये पांच प्रोसेसेस हैं नाइट्रोजन साइकिल में, समझे? तो यही होता है। अब इसके बाद आपको, तो ये चैप्टर हो गया मतलब कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, है कि नहीं? माइक्रोस्कोप से हम लोग को देखना पड़ता है। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स क्या करता है, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहांस फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी है फैजोबियम के साथ साथ। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, बताया गया था ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल को वो किया जाता है, है ना, प्रोड्यूस किया जाता है। अगला है कॉलरा इज कॉज्ड बाय, कॉलरा जो है वाइब्रियो कॉलरा के कारण होता है, ठीक है नहीं। चलिए अब टिक द करेक्ट, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या चीज के प्रोडक्शन में, शुगर में, अल्कोहल में, अल्कोहल बनाने में काम आता है ना ईस्ट। फिर उसके बाद जो है कहता है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है कि अल्कोहल है कि ईस्ट है। एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, पढ़ा गया है। फिर इसके बाद है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, कौन सा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, है कि नहीं। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, एंट है कि हाउस फ्लाई है कि ड्रैगन फ्लाई है कि स्पाइडर है। हाउस फ्लाई बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज फैलाती है, है ना, मक्खी। फिर है ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ, क्यों उड़ जाता है, क्योंकि हीट के कारण, कि ग्राइंडिंग के कारण, कि ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, कि नीडिंग के कारण, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल के कारण होता है कि नहीं। अब अगला है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, है ना, ये है। अब है मैच द कॉलम, अब बताइए बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करता है, डिबायोटिक को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है कि नहीं। लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस में सेटिंग ऑफ कॉड आ जाएगी, है ना, कॉड बनाने में लैक्टोबैसिलस। फिर ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आता है। प्रोटोजोन मलेरिया करता है कि नहीं। वायरस ये एड्स करता है, ठीक है। बैक्टीरिया वाले में, अच्छा वायरस वाले में वाइब्रियो कॉलरा भी आ जाएगा, वाइब्रियो कॉलरा जो है उसी वायरस में करने का। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, हैव बीन सीन विद नेकेड आइज, नहीं ना देखे नहीं जा सकते, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, वो तो बता ही दिया गया है कि उनको देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप यूज करिए, ओके डन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो बता ही दिया गया है, लिख लेंगे सारे एल्गी बैक्टीरिया, है ना, फंजाई, सारा सब कुछ बताया गया ना, मेन फाइव है तो उसी को लिखना है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल, नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये तो बता ही दिया है, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है। और फिर उसके बाद जो है आपका ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी करता है। राइट एंड लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना, लिख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी लिखना, लिख लेंगे। वाटर एंटीबायोटिक्स, उसके बारे में बता ही दिया गया, लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।